कश्मीर घाटी में ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बकायदा ट्रेनिंग तो नहीं ली है, लेकिन उनका हुनर बोलता है। इसे गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं। ऐसे ही एक आर्टिस्ट हैं बासित फराज। अब इस तस्वीर को ही ले लीजिए। महज पेंसिल के इस्तेमाल से बनाई गई इस तस्वीर में इन्होंने जान डाल दी है। आर्ट में ऐसी महारत मुश्किल से ही देखने को मिलती है। लेकिन बासित फराज की एक खास बात और है, और वो ये कि उन्होंने जो क्षमता विकसित की है उसके लिए उन्होंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, यानी उनका ये हुनर खुदा की देन है। बचपन से ही बासित को पेंटिंग का शौक था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनका ये शौक और बढ़ता गया और फिर उन्होंने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। पेंटिंग में दिलचस्पी रखने वाले बासित एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं। I was interested in drawing, तो फिर धीरे धीरे it turned into portrait drawing, जो हम देख सकते हैं कि आजकल बहुत आम है, तो फिर उसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर आफ्टर आई कैन से 10th, तो फिर मैं इट टर्न इंटू हाइपर रियलिज्म, जिसमें ज़्यादा डिटेल्स होती है, एंड उसको मुझे कोई गाइड नहीं था। YouTube के जरिए अपनी इस कला को बासित ने और तराशा है। इस आर्ट के जरिए डार्क साइड फेस को पन्ने पर उतारा जाता है, जैसा कि खुद बासित बताते हैं। हम अपने आप को एक्सपोज ही नहीं कर पा रहे, हम अपनी प्रॉब्लम्स को हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे। अगर शेयर भी कर रहे तो सामने से हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं। फॉर दैट रीज़न आई थिंक दिस इज़ द टॉपिक, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सके, तो मैं कोशिश करता हूँ। मेरा एक वे है, आई कैन शेयर इट विद माई आर्ट वर्क्स दैट आई डू एंड दैट आई लाइक टू डू। अपनी पढ़ाई के साथ साथ बासित अपने सपने को पूरा करने के लिए इस आर्ट को और ज्यादा समय देते हैं। इस पेंटिंग को हिंदी में अति यथार्थवाद कहते हैं और अंग्रेजी में सुरिलिज्म आर्ट। सुरिलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट, यू कैन से इट इज अ ड्रीम। लाइक ये ड्रीम क्या होता है, लाइक आपको मैं बोलूं कि जैसे मैं अभी बनाया था बर्ड इनसाइड अस, तो उसमें क्या है, मैंने अपने आप को पोर्ट्रेट किया है और मैंने सिर से एक अपना एक प्लांट निकाला है और उस पर मैंने एक बर्ड रखा है। सो अगर वो देखे वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल कि लाइक रियलिटी में वैसी कोई चीज़ पॉसिबल है, वो नॉर्मल क्रीचर भी नहीं है कोई। सो मैंने एक सरियलिज्म इज़ अ कॉन्सेप्ट वेर यू ऑल्टर द रियलिटी टू मेक योर आर्ट वर्क मोर डिफाइनेबल, जो आप प्रेजेंट करना चाहते हो। बासित ने इस कला को कश्मीर में बढ़ावा देना शुरू किया क्योंकि लोगों में इस कला के बारे में बहुत कम जानकारी थी। अपने कॉलेज के समय में बासित फराज के जीवन में भी एक डर था कि अगर वो इसे ही अपना पेशा बनाते हैं तो शायद उनका भविष्य डगमगा सकता था। ऐसे में वो इस बात पर रोशनी डालना चाहते हैं कि इस कला को भी एक जगह मिले और इससे जुड़े लोगों को भी पहचान मिले, और इस दिशा में बासित फराज लगातार काम कर रहे हैं।